हे गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू वी अनदर वीडियो गाइस। सो गाइस, शाहरुख खान का जब बर्थडे आया था तब मैंने उनके लिए एक पोस्ट बनाई थी जो कि मैंने अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड की थी, एंड वो पोस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी लोगों को, एंड उस पर काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आए, एंड उसमें ये भी आया कि इसका ट्यूटोरियल चाहिए। लेकिन तब तो मैं अपलोड नहीं कर पाया, लेकिन अब फाइनली मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ उसका ट्यूटोरियल। एंड अगर आपको अच्छी तरह से बनाना है तो इस वीडियो को फुल देखना, एंड उसके बाद जो सबसे बेस्ट बनाता है यानी कि आपको इंस्टाग्राम पर मुझे टैग करना है फोटो बनाने के बाद, एंड जो सबसे अच्छा बनाता है जिसका मुझे लगेगा कि हाँ इसने परफेक्ट वर्क किया है, तो उसको मैं बिल्कुल फ्री शाउट आउट दूंगा अपनी स्टोरी में। तो फिर बस आप लोग बेस्ट बनाने की कोशिश करना, एंड वीडियो को फुल देखना, एंड उसके बाद आप मुझे टैग करना इंस्टाग्राम पर, मैं आपको स्टोरी में शाउट आउट जरूर दूंगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स डू इट गाइस। तो ये है मेरा फोटो, इस टाइप से आपको फोटो क्लिक कराना है, एंड हाँ, फोटो के एक्सप्रेशन एंड फोटो का लुक बहुत ज्यादा मैटर करता है एडिटिंग से पहले। तो आपको इस टाइप से स्माइल देते हुए फोटो को क्लिक कराना है, एंड इस टाइप का पोज देना है जैसे कि आप उनसे मीट कर रहे हैं। एंड इस टाइप का आप जैसे ही फोटो क्लिक करा लेते हैं तब आपको जरूरत पड़ने वाली है इस बैकग्राउंड की, और बैकग्राउंड PNG जो भी मैं यूज करूंगा उनकी सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ईजिली मिल जाएगी, आप ईजिली डाउनलोड कर लेना। तो यहां से मैं डायरेक्टली बैकग्राउंड को सेंड करता हूं Pixapro एप्लीकेशन में, एंड इस एप्लीकेशन में ओपन होने के बाद यहां पर आपसे पूछेगा साइज, तो मैक्सिमम साइज चूज करके आप अपने बैकग्राउंड को ओपन कर लें। उसके बाद आप चलें इफेक्ट ऑप्शन में, इंसर्ट पिक्चर में, एंड मैं आपको आराम आराम सिखा रहा हूं तो सारी चीज़ें इजीली आप सीखते चलिए। तो यहां पर सबसे पहले हम लेकर आएंगे शाहरुख खान की PNG, तो जो कि मैंने बनाकर रखी हुई है वो आप आसानी से आपको मिल ही जाएगी। तो ये रही PNG, एंड इस PNG को सबसे पहले हम करेंगे एडजस्ट। तो एडजस्ट आपको बहुत अच्छे से करना है, जितना अच्छा आप एडजस्ट करेंगे उतने ही अच्छे से आप रियलिटी लेकर आ पाएंगे। तो यहाँ पर इसको मैंने एडजस्ट कर दिया, यहाँ से मैं कर दूंगा नो। अब गाइज हमको इफेक्ट ऑप्शन में फिर से चलना है, अब हमको लेकर आना है हमारा फोटो जो कि कटआउट हमने निकाल कर रखा होगा। तो इसको हम लेकर आकर राइट पर क्लिक करेंगे, एंड अब हमारी बारी है इसको एडजस्ट करने की। तो बहुत ही अच्छे से एडजस्टमेंट का सारा काम होता है अच्छे से एडजस्ट करना, तो फिर बस हमको बहुत अच्छे से एडजस्ट कर देना है। ओके गाइज, तो जैसे ही हम एडजस्ट करते हैं तो सबसे पहले अब हम करेंगे इसको रिमूव, राइट पर क्लिक करके सबसे पहले ऐसे ही हम रिमूव कर देते हैं। उसके बाद अब हम चूज़ करेंगे ब्रश को, एंड छोटा ही ब्रश रखेंगे, एंड इसके बाद बहुत ही अच्छे से यहाँ पर इसको हम कवर कर लेंगे। ओके गाइज, तो कुछ इस टाइप से यहाँ पर मैंने कर दिया है कवर, एंड अब बारी है हमारी मैच करने की, सब कुछ हमारा मैच होना चाहिए। तो हम सबसे पहले कपड़ों को मैच करेंगे, तो मैंने फुल सूट यहाँ पर ब्लैक नहीं पहना है और ना ही शाहरुख खान का ब्लैक सूट है, तो हम कर देंगे दोनों के एक जैसे सूट। किस टाइप से करना है, एडजस्ट ऑप्शन में चलेंगे, एंड सबसे नीचे जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा पेंट मास्क एंड सिलेक्शन का, इसमें सबसे पहले हमको शाहरुख खान का और अपना ब्लेजर सेलेक्ट करना है, ठीक है। ओके गाइज, तो कपड़े सेलेक्ट करने के बाद हम एरो पर क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हमको मिलेगा सैचुरेशन का, इसको हम कर देंगे बिल्कुल माइनस, एंड माइनस करते ही हम दोनों के क्लॉथ्स एकदम सेम मैच हो जाएंगे। एंड इसके बाद हम यहाँ से कर देते हैं राइट पर क्लिक, एंड ये हमारा डन हो जाएगा। डन होने के बाद गाइज हमको अपनी स्किन टोन से एकदम अच्छे से मैच करनी है, तो सबसे पहले सिर्फ मैं अपनी स्किन टोन को सिलेक्ट करूँगा, एंड SRK की टोन से हम मैच करेंगे। ओके गाइज, तो स्किन को सिलेक्ट करने के बाद हम चलते हैं एरो पर, एंड एरो पर जाने के बाद हम हल्का सा इसका टेम्परेचर हल्का सा, बहुत ही हल्का सा बढ़ा देते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने के बाद राइट पर क्लिक करेंगे, एंड वापस से उसी ऑप्शन के अंदर जाएंगे, एंड अब हम एरो पर क्लिक करने के बाद हल्का सा इसका एक्सपोजर बढ़ा देते हैं, जो कि एकदम ईजीली हम दोनों की स्किन टोन्स मैच हो जाएँ। इसके बाद गाइज थर्ड बार हम फिर से जाते हैं, एंड यहाँ पर हम सैचुरेशन में जाएंगे, एंड इसकी सैचुरेशन को
माइनस करेंगे एंड इसके बाद आप देख सकते हैं हमारी स्किन टोन एकदम अच्छे से मैच हो गई है। बाकी हम लाइट रूम में इसको बहुत अच्छे से एडजस्ट कर देंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से एक्सपोर्ट में जाएंगे, सेव पिक्चर एंड पिक्सेल प्रो, यहाँ पर ये फोटो हमारा हो चुका है सेव। अब हम ओपन करते हैं अपना लाइट रूम। ओके गाइज, तो मैं अपन हूँ लाइट रूम एप्लीकेशन में। यहाँ पर प्लस वाले आइकन में जाएंगे एंड यहाँ पर जाने के बाद जो अभी हमने इमेज को सेव किया था इसको हम ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद हमारी ये फोटो यहाँ पर आ जाएगा, इसको हम ओपन करेंगे। सबसे पहले हमको करना है लाइटिंग एडजस्ट, तो सबसे पहले हम लाइट में जाएंगे, इसका कॉन्ट्रास्ट हल्का सा माइनस कर देते हैं एंड जो शेडोज़ ऑप्शन है इस शेडोज़ को थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं। इसके बाद अब हम चलेंगे कलर टोन में एंड मिक्स टोन में। सबसे पहले हम स्किन टोन ले लेते हैं एंड इसकी ह्यू को आगे की साइड हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। अब रेड टोन में जाएंगे एंड इसकी सैचुरेशन हम हल्की सी बढ़ा लेंगे जो कि हमारे लिप्स को बहुत अच्छे से मैच कर देगा। अब इसके बाद ब्लू टोन में जाकर इसकी ह्यू को सिर्फ माइनस करना है, सैचुरेशन चाहे तो थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। देन इसके बाद अब हम जाएंगे इफेक्ट ऑप्शन में एंड सबसे ऊपर स्प्लिट टोन जो ऑप्शन मिलता है इसमें सिर्फ हम हाइलाइट्स में थोड़ा सा ये ब्लूइश टोन जो होता है एक्वा ब्लू, इस एक्वा ब्लू को हम यहाँ पर हल्का सा ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद गाइज हमारे फोटो में बहुत ही अच्छा सा एक इम्प्रूवमेंट आएगा एंड बहुत ही अच्छी टोन्स हम दोनों की मैच हो जाएंगी। एंड गाइज आई होप कि आपको आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा एंड इस टाइप का फ़ोटो आप बनाने के बाद मुझे इंस्टाग्राम पर टैग ज़रूर करना एंड जो बेस्ट बनाता है, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बनाता है, उसको मैं स्टोरी में मेंशन ज़रूर करूँगा। तो मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।